साथियों नमस्कार, मैं सचिन श्रीवास्तव जिला निर्वाचन अधिकारी कटनी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम मतगणना, जो कि हमारे मतदान प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील भाग होता है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में देखेंगे, उसकी पूरी प्रोसेस समझेंगे और किस तरह से अपन एक निष्पक्ष मतदान का प्रक्रिया सम्पन्न हो उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपने मतदान करा लिया है, मतदान कराने के बाद आपने मतपेटी को सील किया था और मतपत्र लेखा भरकर सभी पदवार आपने अभ्यर्थियों के या उनके निर्वाचन एजेंट को या फिर मतदान एजेंट को आपने प्रदान किया था। अब हम मतगणना की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। इसके पहले मतदान एजेंट जो है, या तो वही हो सकते हैं या कोई दूसरा मतगणना एजेंट के रूप में आपके पास आएगा, वो प्रारूप 11 लेकर आएगा। अब प्रारूप 11 लेकर आता है, वो देखकर आप और हस्ताक्षर का मिलान करके आप मतगणना एजेंटों का नियुक्ति उनकी नियुक्ति करते हैं, उनको पास जारी करते हैं। फिर बैठक व्यवस्था कमरे में ऐसी बनाएंगे कि यदि डेस्क बेंच मिलती है तो बड़ा सा अपने को टेबल मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़मीन सबसे अच्छा है, दरी बिछा लें, चारों तरफ से हमारे मतदान साथी बैठ जाएं। जो मतदान दल है वो उस समय मतदान दल का जो मुखिया है पीठासीन अधिकारी वो प्राधिकृत अधिकारी बन जाते हैं और जो मतदान अधिकारी होते हैं वो गणना सहायक के रूप में वहाँ पर नियुक्त होते हैं। तो चारों तरफ से उठ जाएं और मतदान एजेंट जो मतगणना एजेंट हैं उनको बैठने की व्यवस्था पीछे की जाए और थोड़ा सा दूरी पर वो रहें ताकि वो किसी भी स्थिति में जो हमारे मत पत्र हैं उनको छू ना सकें। उनको देखना है, देख सकते हैं लेकिन छू ना सकें। तो सबसे पहले हमने क्या है, मतगणना एजेंटों की नियुक्ति कर ली है और उसके बाद पूरे कमरे में बैठक व्यवस्था बना ली। अब आपको जितने भी प्रपत्र लगने हैं वो सारे प्रपत्र आप अपने पास रख लीजिए, बार बार आपको उठने की आवश्यकता ना पड़े। सबसे पहला मतपत्र लेखा प्रारूप 15 जो आपने भर के दिया था उसका भाग 2 आपको भरना है। पंच पद के लिए प्रारूप 16, सरपंच पद के लिए 17, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 18 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 19, ये आप रख लीजिए। फिर उसके बाद आप रख लेंगे गणना पर्ची और प्रतिक्षेपित या खारिज मतों के पीछे जो लगाई जाने वाली वो सील और उसका पर्ची, ये सारी चीज़ें आप अपने पास व्यवस्थित रख लें और रख लें अपने साथ मतगणना पत्र उसका जो लेखा है गणना पत्रक। तो आइए हम आपको एक बार दिखा देते हैं सारे पत्रकों को। तो सबसे पहले प्रारूप 15 ये है जो कि आपने मतदान के बाद दिया था, इसमें भाग 2 यहाँ पर अभी आपने को एंट्री करना है तो ये आपने रखा। इसके बाद गणना पर्ची, प्रत्येक अभ्यर्थी के कुल जो विधिमान मत होंगे उनके ऊपर आपको ये पर्ची लगानी होगी। तो ये पर्ची ऊपर की जो एंट्रियाँ हैं ये आप पहले ही कर चुके हैं तो मतगणना पर्ची रख लेते हैं। फिर ये है प्रतिक्षेपित मतपत्र पर लगाई जाने वाली पर्ची, तो ये भी ऊपर की एंट्री आप उसी समय कर लेंगे और ये रख लेंगे अपने पास भर कर। और ये है मतों की गणना का परिणाम, देखिए तो इसको भी आप यहाँ पर क्रमांक, तो वही क्रमांक डालेंगे जो कि हमारे मतपत्र पर है और उसी क्रम में हमको यहाँ पर क्या है अभ्यर्थियों के नाम लिखना है। आपको सिर्फ उस समय लिखना पड़ेगा यहाँ पर विधिमान मतों की संख्या। तो ये सारे प्रारूप आप वहाँ पर रख लेते हैं। इसके बाद सबसे पहले हम जो हमारे मतगणना एजेंट हैं उनको मतपेटी का अवलोकन कराते हैं कि ये मतपेटी पूरी तरह सील्ड है, बंद है और इससे किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की हुई है। इसका जो जहाँ से मत जाते थे वो खांचा बंद है और यहाँ पर भी बंद है। अब इसके बाद हम सभी को बैठने के लिए कह देते हैं और अपनी बैठक व्यवस्था बना ली जाती है। फिर हम सबसे पहले मतपेटी को खोलते हैं। मतपेटी को खोलने में हमने सबसे पहले इसको अलग किया और यहाँ पर उंगली डालते हैं, यहाँ पर आपने सील लगाई थी वो सील फट जाएगी और इसके बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा पुश करते हुए और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और ये मतपेटी खुल जाती है, ये देखिए। अब इसके बाद हम मतपेटी को पूरा पलटा देते हैं, और खाली मतपेटी का अवलोकन एक बार फिर से
मतगणना एजेंट जो है उनको कराते हैं कि देखिए अब हमारी मतपेटी पूरी तरह खाली है, इसमें कोई मत नहीं। इसके बाद मतपेटी को बंद करके और साइड में अपन रख लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर सिर्फ सफ़ेद मतपत्रों का यूज किया है, मतलब पंच पद के अभ्यर्थियों के लिए, और आपके पास जो रहेंगे वहाँ पर चार रंगों के मतपत्र रहेंगे, सफ़ेद, नीला, पीला और गुलाबी। तो सबसे पहले रंगवार आप क्या करेंगे, मतपत्रों को अलग अलग जमा लेंगे। हमारे पास सिर्फ सफ़ेद मतपत्र हैं तो हम क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है अपने को पंच में, क्योंकि एक ही मतदान केंद्र में एक से अधिक वार्ड के पंचों का चुनाव होता है, इसलिए हमने उसको यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिया है। तो आपके पास चार रंगों के हैं, आप चारों रंगों के मतपत्रों को अलग अलग रंगवार जमा लेते हैं और उनकी एक भौतिक गणना कर लेते हैं, और वो फिर आपको लिखना है मतपत्र लेखा के भाग दो में जो हमने आपको दिखाया है। तो अब सबसे पहले हम सफ़ेद मतपत्रों को उठाएंगे और उनको उल्टा करते हुए वार्ड वार जमाएंगे। आपको यहाँ पर देखिए जो सुभेदक सील लगी हुई है उसमें वार्ड स्पष्ट दिखता है, तो वार्ड वार हम सबसे पहले उनको जमाते जाते हैं। तो साथियों अब हमने यहाँ पर वार्ड वार पंच के मतपत्रों को जमा लिया है, साथ ही हमको दो मतपत्र ऐसे मिले हैं जिनके पीछे सुभेदक सील नहीं लगी हुई है। तो अब हमको ये देखना है कि ये कहीं नकली मतपत्र तो नहीं है जो कोई मतदाता शरारतवश डाल गया हो, या फिर ये हमारी भूल के कारण इसमें सुभेदक सील नहीं लगी हुई। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि जो मतपत्र हैं उसके क्रमांक का मिलान करेंगे कि किस क्रमांक से किस क्रमांक तक मतपत्र हमको मिले थे। यदि ये उसी अनुक्रमांक के हैं तब वो हमारे ही मतदान केंद्र का मतपत्र है, और फिर हम वहाँ पर उसको अपने मतपत्रों में शामिल कर लेंगे। लेकिन यदि वो क्रमांक अलग है तो फिर हम उनको नकली मतपत्र वाले गड्डी में रख देंगे, जो कि किसमें आ जाएंगे, प्रक्षेपित या खारिज वाले में। तो हमने इनका मिलान कर लिया है और इनमें से दोनों जो हैं हमारे विधि मान्य मत हैं, हमारे मतदान केंद्र पर कोई भी नकली मतपत्र नहीं आया है। तो हमने इनको वार्ड क्रमांक एक वाले में रख दिया क्योंकि ये वार्ड क्रमांक एक से संबंधित है। अब साथियों हमने क्या किया, सबसे पहले मतपेटी खोल के पूरे मतों को अपन ने पलटा लिया और सारे मतों में से हमने रंगवार सबसे पहले अलग अलग कर दिया। सफ़ेद मतपत्र हमारे पंच पद के लिए हैं, उसके बाद नीला सरपंच पद के लिए, पीला जनपद पंचायत सदस्य, और गुलाबी जो है हमारा जिला पंचायत सदस्य के लिए। अब हम सबसे पहले पंच पद के मतपत्रों को लिया अपन ने और उनको उल्टा रखते गए वार्ड वार, सारे मत हमारे वार्ड वार रख दिए। अब हम एक वार्ड के मतपत्रों को उठाते हैं और बाकी को सावधानी पूर्वक रख देते हैं। अब एक वार्ड के मतपत्रों में हम इनको अभ्यर्थी वार जमाते जाएंगे, साथ ही जो मतपत्र जिनमें हमको संदेह है या प्रक्षेपित करने योग्य हैं उनके आधारों को देखते हुए हम उनको खारिज करने वाली श्रेणी में रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो बिल्कुल पूर्णतः स्पष्ट मत हैं उनको रखते हैं। तो ये हमारा एक मत हो गया अभ्यर्थी क्रमांक एक के पक्ष में, फिर ये है दो के पक्ष में, ये है तीसरे के पक्ष में, फिर इसके बाद ये फिर से एक के पक्ष में, साथियों हमने वार्ड क्रमांक एक के पंच पद के मतपत्रों को अभ्यर्थी वार जमा लिया है। अब हमको कुछ ये मतपत्र ऐसे मिले हैं जिनमें हम प्रथम दृष्टया इनको हम किसी एक पक्ष में नहीं रह पा रहे हैं, तो अब इनकी संवीक्षा करेंगे। संवीक्षा का आधार वैध और अवैध हम किस आधार पर करते हैं, आइए देखते हैं। साथियों आइए देखते हैं कि किस आधार पर हम किसी भी मतपत्र को प्रक्षेपित या खारिज कर सकेंगे। उस पर कोई चिन्ह या लेख जिससे मतदाता की पहचान की जा सकती है, या तो उसने कहीं सही का निशान लगा दिया या क्रॉस कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए जिससे कि उसको पहचाना जा सकता है। वह एक बनावटी मतपत्र हो,
उस वह इस प्रकार क्षतिग्रस्त या विकृत किया गया है कि असली मतपत्र के रूप में अनन्यता स्थापित नहीं की जा सकती, मतलब उसको असली मतपत्र पहचानने में कठिनाई हो रही है। मतदान केंद्र में उपयोग लाए गए प्राधिकृत मतपत्रों के अनुक्रमांकों से भिन्न अनुक्रमांक या परिकल्प से भिन्न परिकल्प का हो, मतलब वो एक पूरी तरह नकली हो, उसका क्रमांक हमको जो मिला है सामग्री उसके अनुक्रमांकों से अलग है या उसकी डिजाइन भिन्न है, उस पर सुभेदक मुहर नहीं लगी है या पीठासीन हस्ताक्षर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, तो इसमें हमको ऐसे मतपत्र यदि वो असली हैं तो उनको स्वीकार करना है, जो कि हमने उदाहरण स्वरूप आपको दिखाया है। उन पर घूमते हुए तीरों का चिन्ह ना लगा हो, उनमें एक से अधिक अभ्यर्थियों के खाने पर चिन्ह लगाया गया हो, उस पर इस प्रयोजन का विहित उपकरण या युक्ति अर्थात दी गई घूमते हुए तीरों की मोहर से भिन्न उपकरण या युक्ति से चिन्ह लगाया गया, मतलब वो कोई और सील लगा गया हो। मतांकन का चिन्ह पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह छायांकृत स्थान के अंदर ना हो, मतलब जहां पर विधिमान्य होना चाहिए वहां पर नहीं है। आइए देखते हैं, जैसे यहां पर एक ही अभ्यर्थी के खाने में दो बार निशान है तो ये वैध है, क्योंकि ये पूरी तरह उसी के ही खाने पर है, उसी के बॉक्स में। यहाँ पर भी देखिए, दोनों में एक ही कंडीशन है, वो नाम के आगे लगा दिए हैं या चिन्ह के आगे लगा दिए, पूरी तरह वैध मत है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, वो स्पष्ट है पूर्णता कि उसने अपना मत प्रथम क्रमांक के अभ्यर्थी को दिया है, भले ही सील आधी लगी हुई है। यहाँ पर देखिए कि उसने अपना मत तृतीय क्रमांक के अभ्यर्थी को दिया है, तो ऐसी स्थिति होने पर ये पूर्णता वैध हैं। यहाँ पर देखिए कि एक सील उनने यहाँ लगाई है जिसका आधे से ज़्यादा भाग द्वितीय क्रमांक के अभ्यर्थी को जा रहा है, फिर उनने एक स्पष्ट और मत दे दिया है। यहाँ पर भी कि इसका भाग ऊपर की ओर जा रहा है और फिर द्वितीय मत में उन्होंने पूरी तरह स्पष्ट दे दिया है, तो ये वैध हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक सील जो है कहाँ लगी हुई है, क्रमांक एक पर, और एक सील लगी हुई है क्रमांक तीन पर, तो अब ये वैध है। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि इसमें घूमते हुए तीरों का निशान कैसे जा रहा है, ये जा रहा है घड़ी की सुई की दिशा में, और ये है कैसा, विपरीत दिशा में, तो इसमें से कोई एक छायांकित भाग है, यह है आपको जांचना है। कैसे जांचेंगे? तो आपको जो मुहर दी हुई है उसकी सही छाप क्या होती है, घड़ी की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब यह वैध मत है और किसके पक्ष में गया है, क्रमांक तीन के पक्ष में गया है। ऐसी स्थिति आपको बहुत मिल सकती है कि ये अंगूठे का निशान लगा है, अब यह मतदाता ने जानबूझकर नहीं लगाया है, जब आपने प्रतिपर्ण पर मतपत्र के प्रतिपर्ण पर उससे अंगूठे का निशान लिया था, उस समय उसने अपना अंगूठा कपड़े में साफ नहीं किया और उसी हाथ से उसने मतपत्र को पकड़ लिया, तो ये ऐसे निशान मिल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये जो घूमते हुए तीरों वाली मुहर है वो स्पष्ट रूप से दूसरे क्रमांक वाले के पक्ष में है, तो यह एक वैध मत है। फिर ये ऐसी स्थिति है कि क्रमांक में लगा दे, उसके खाने पर कहीं पर भी लगा देंगे तो वह एक वैध मत कहलाएगा। फिर यहाँ पर देखिए कि ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो यह पूर्णतः वैध मत है। आइए अब देखते हैं अवैध मत पर। तो यहाँ पर देखिए इस क्रमांक में कि उसने इसमें कहीं पर भी निशान नहीं लगाया है, तो यह किसी के पक्ष में नहीं जाएगा, तो यह अवैध मत पत्र है। यहाँ पर देखिए कि उसने दोनों के बीचों बीच, और इसको पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि वह एक नंबर के पक्ष में है कि दो क्रमांक के पक्ष में, तो इसलिए यह एक अवैध मत पत्र है। यहाँ पर देखिए, उन्होंने मत तो स्पष्ट दिया लेकिन अपने हस्ताक्षर यहाँ पर कर दिए, जो कि उनकी पहचान उजागर करता, तो यह भी एक अवैध मत पत्र हुआ। इस उदाहरण में देखिए कि मत तो स्पष्ट है लेकिन उन्होंने अपनी पहचान दिखाने के लिए क्रॉस का चिन्ह लगा दिया, तो यह अवैध मत पत्र है। यहाँ पर देखिए, उन्होंने घूमते हुए तीरों वाली चिन्हों का उपयोग नहीं किया, एक सही का निशान लगा दिया या दो सही के निशान लगा दिए, तो ये सब कैसे हो जाते हैं, अपने अवैध मत पत्र हो जाते हैं। अब ये स्थितियाँ देखिए, यहाँ एक क्रमांक वाले पक्ष में भी है और दूसरे क्रमांक वाले पक्ष में भी है, तो ये भी कैसे हैं, ये अवैध मत पत्र हुए। और ये दो उसमें देखिए, तो यहाँ दूसरे में भी है और कुछ भाग तीसरे पे भी जा रहा है, तो ये भी कैसा हो जाता है, अवैध मत पत्र हो जाता है। एक ही मत पत्र में एक से अधिक को
या और दोनों ही कैसे हैं क्रमांक उल्टे लगे हुए हैं यहाँ पर, तो ये कैसे हो जाते हैं सब अवैध हो जाते हैं। उन्होंने मतपत्र दिया और अपने हस्ताक्षर कर दिए, तो ये कैसे हो जाते हैं अवैध हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमको अवैध मतपत्रों को पूरी तरह देखना है, स्पष्ट करना है। साथियों अभी हमने देखा कि किन आधार पर किसी मतपत्र को अवैध या खारिज किया जाना है, तो अब हमको कुछ मतपत्र ऐसे मिल गए हैं जिनको हम खारिज करेंगे। तो खारिज करने वाले मतपत्रों के पीछे ये जो सील है वो सील लगाएंगे और जो मतगणना वहाँ पर मतगणना एजेंट बैठे हैं उनको मतपत्र दिखाते हुए और ये स्पष्ट करना है कि किन आधार पर इनको खारिज किया गया है। तो ये सील लगा देते हैं और सील लगाने के बाद उसमें आधार का उल्लेख कर देते हैं। आधार का उल्लेख करते हैं और उनको फिर अपन गड्डी बना के रख लेते हैं। अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ विधि मान्य मतों की संख्या बचती है। तो अब सबसे पहले एक नंबर जो आपके मतपत्र में क्रमांक 1 पर है उस अभ्यर्थी के गड्डी को विधिमान मतों की गड्डी को उठाकर और उनकी गणना करते हैं। गणना करने के साथ साथ एजेंटों को भी हम इस तरह गणना करते हैं कि उनको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो ये देखिए हमने इनको गिना, तो एक नंबर वाले को हम आए 1, 2, 3, 4, 5 5 विधिमान मत प्राप्त हुए। फिर ये एक अभ्यर्थी की हो गई। अब इनको हम एक रबर बैंड की सहायता से बांध के रख लेते हैं। इसके बाद दूसरे अभ्यर्थी को हमने देखा, तो वहाँ पर 1, 2 इनको 2 विधिमान मत प्राप्त हुए हैं, इनको हमने रबर बैंड लगा कर रख लिया। तीसरे अभ्यर्थी को देखा, इनको भी 2 विधिमान मत प्राप्त हुए हैं, इनको हमने रबर बैंड लगा कर रख दिया। अब हम गणना पर्ची निकालेंगे और गणना पर्ची में आवश्यक जानकारी जो आपने पहले ही भर ली है और आपको यहाँ पर भरना है विधिमान मतों की संख्या। तो आइए देखते हैं गणना पर्ची। तो यहाँ पर देखिए आप पंच पद के लिए भर रहे हैं, तो खंड का नाम जिस खंड में आप गए हैं विजय राघवगढ़, ढीमरखेड़ा, कटनी, बड़वारा, बहोरीबंद या रेठी, मतदान केंद्र का क्रमांक आपने यहाँ पर भर दिया। अब ग्राम पंचायत जिस ग्राम पंचायत में आप गए हैं के वार्ड क्रमांक, अपने पास अभी 1 और 2 वार्ड क्रमांक थे, तो 1, 2 से पंच का निर्वाचन, बाकी का ये कॉलम दूसरा तीसरा और चौथा इनको आप निरंक कर दीजिए। अभ्यर्थी का नाम, तो पहले क्रमांक में अभ्यर्थी में मान लीजिए सुरेश थे, तो सुरेश प्रसाद अभ्यर्थी का नाम सुरेश प्रसाद। प्राप्त विधिमान मतों की संख्या, अब विधिमान प्रथम में हमको 5 मिले थे, तो अंकों में और शब्दों में। फिर स्थान, तारीख और यहाँ पर प्राधिकारी अर्थात जो हमारे पीठासीन साथी थे उनके हस्ताक्षर, और ये पर्ची भरकर इसको फाड़कर हम संबंधित अभ्यर्थी के बंडल में लगा देते हैं। तो इसमें लगाया और फिर उसको रबड़ बैंड से सेट कर दिया। इसी प्रकार अभ्यर्थी क्रमांक 2, अभ्यर्थी क्रमांक 3 सभी की गणना पर्ची भरी और उनके बाद इनको और उसी क्रम में रखे हैं आप जिस क्रम में मतपत्र लेखा में उनका नाम है। फिर इसके बाद ये पूरा हमारा एक वार्ड का बंडल तैयार है। अब इस पर हम हमारे जो प्रक्षेपित या खारिज आपने किए थे उनकी बंडल बनाया और ये पूरे बंडल को रख दिया। इसके बाद हम उठाते हैं वार्ड क्रमांक 2। तो साथियों यही प्रोसेस करना है। सबसे पहले फिर से हम अभ्यर्थी वार उनको जमाएंगे। अभ्यर्थी वार जमाते हुए जो हमको थोड़ा संदेहास्पद लगते हैं जिनमें प्रथम दृष्टया उनको वैध नहीं किया जा सकता उनको अलग कर लेते हैं। फिर वही प्रोसेस देखते हैं कि किस आधार पर इनको खारिज किया गया है। खारिज मतों के पीछे सील लगाते हुए आधार लिखते हैं और मतगणना एजेंटों को दिखाते हुए संतुष्ट करते हैं। फिर उसके बाद उनकी गणना करेंगे। फिर सारे वार्डों के जो मतगणना होने के बाद सभी की गड्डियां बनाते जाते हैं, ऊपर उनके प्रक्षेपित मतों को रखेंगे और फिर संबंधित लिफाफे में डाल देते हैं। इसी प्रकार सरपंच पद के लिए सबसे पहले आप उनको उठाएंगे और अभ्यर्थी वार जमाते जाएंगे। सेम यही अपने को प्रक्रिया अपनानी है जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए। गिनती करने के बाद आप इनको लिफाफे में रखते हैं। लिफाफे में रखने के बाद उस पर
पूरी जानकारी भरते हैं। यदि वहां उपस्थित मतगणना एजेंट चाहें तो उनके हस्ताक्षर उस पर आप करा सकते हैं। इसके साथ ही जब हमारी गणना पूरी हो जाती है प्रथम पद के लिए, पंच पद के लिए, तो वहां पर आप मतों की गणना का परिणाम, इसकी जानकारी आप भरेंगे। अब क्रमांक आपने पहले से भर लिया है, अभ्यर्थियों के नाम भर लिए हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर विधिमान मतों की संख्या भरनी है, तो वो संख्या भरते हैं। और ये पूरी जानकारी भरने के बाद इनकी प्रति मतगणना एजेंट को देते हैं और उनसे निर्धारित प्रारूप में पावती ग्रहण करते हैं। तो साथियों, ये हमने मतगणना की बताई है। अपरिहार्य स्थिति में ही, तूफान, बलवा, हिंसा, ऐसी स्थिति में ही मतगणना हमको खंड स्तर पर करानी, हमारा पूरा प्रयास रहे कि हम मतगणना वहीं पर कराएं। हम निष्पक्ष हैं तो निष्पक्ष दिखें और किसी प्रकार की समस्या आने पर हम अपने सेक्टर अधिकारी से संपर्क करते हैं। तो साथियों, मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएँ हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आपने पंच पद के अभ्यर्थी वार गणना कर ली है और प्रत्येक अभ्यर्थी की 50-50 की गड्डियाँ बनाना है। हो सकता है अंतिम गड्डी जो बने उसमें 50 से कम मत पत्र हों, तो सभी 50-50 की गड्डियाँ बनाकर रबर बैंड से लगाते जाएं। फिर एक अभ्यर्थी की पूरे मत पत्रों एक रबर बैंड से बना कर गड्डी बना लें। इसी प्रकार सारे अभ्यर्थियों की करना है, उनके ऊपर गणना पर्ची लगाते जाएं और फिर उसके बाद सबको एक साथ रखकर उस वार्ड के प्रक्षेपित मतों को सबसे ऊपर रखना है और फिर संबंधित लिफाफे में डालते जाना है। यही प्रक्रिया अन्य वार्डों के साथ होगी और साथ ही सरपंच पद, जनपद पंचायत सदस्य पद और जिला पंचायत सदस्य पदों के लिए होगी। तो संबंधित लिफाफों में हमको डालना है, तो 50-50 की गड्डियाँ बनाते हुए यदि हमारी अंतिम में कम भी बनती है तो दिक्कत वाली बात नहीं है। गणना पर्ची प्रत्येक अभ्यर्थी के ऊपर एक लगेगी और प्रक्षेपित में सारे प्रक्षेपित मतों के ऊपर एक लगेगी। जब हम गणना पत्रक भरते हैं तो उसमें भी प्रक्षेपित या खारिज हुए मतों की गिनती का उल्लेख होता है, तो हम बहुत ही सावधानी पूर्वक ये प्रक्रिया अपनाएंगे। साथ ही किसी प्रकार के विवाद से बचने के लिए हम एजेंटों को खारिज मतों के बारे में स्पष्ट कर देंगे और आधार पूर्णता स्पष्ट रूप से उनको बताते हुए उनको खारिज करेंगे।